सोना चंडी रिफाइनरी के बुजुर्ग मैनेजर सूरत के अडाजन रांदेर और घोड़दो रोड के ज्वेलर से 60 लाख रुपए से ज्यादा का सोना, एक कार, 5 लाख रुपए नकद समेत अपने तीनों बेटों के साथ फरार हो गया था। मैनेजर ने कारोबार शुरू किया, बालाजी रियल एस्टेट के नाम से कार्यालय खोलकर जमीन खरीदने व बेचने का मामला। पीएसआई द्वारा प्राप्त हुई सूचना के आधार पर शांताराम नवदेव पाटिल बालाजी एस्टेट के पास माधवनगर रोड सांगली महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के एंटी डकैती दस्ते के कर्मचारियों मूल सिरगांव जिला सांगली महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया था। शांताराम के खिलाफ सांगली में बालाजी रियल एस्टेट के नाम पर धोखाधड़ी की 3 शिकायतें वर्ष 2009 में अडाजन रांदेर और उमरा में दर्ज की गई थी। वह 13 साल से वंचित था। शांताराम अपने 3 बेटों संतोष, अविनाश और उमेश के साथ अडाजन आनंद महल रोड खोडियार नगर सोसाइटी में अपने घर के नीचे श्री गणेश रिफाइनरी के नाम से सोने और चांदी के रिफाइनिंग और रिफाइनिंग फैक्ट्री चलता था। हालांकि वर्ष 2009 में वो और उनके बेटे राजेश सत्यनारायण शर्मा और रमेश भाई मंजी भाई पटेल, राजू प्रमोद भाई जानी और जयेश लक्ष्मण भाई पटेल ज्वेलर्स के मालिक, जो अडाजन वैष्णवी ज्वेलर्स घोड़दो रोड पोदार प्लाजा और अडाजन श्री जी आर्केट में पाटीदार ज्वेलर्स चलाते हैं, सुहासी ज्वेलर्स से 30 लाख रुपए का सोना, अडाजन जोगनी नगर में जेबी ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाने वाले पुष्पेंद्र जंग बहादुर सिंह राजपूत से 10 लाख रुपए का सोना, कार और 5 लाख रुपए नकद और बनाने का वादा किया, जो महीने की अवधि को भीतर ही 2 महीने में रुपये और सोने का भुगतान उन्होंने अपनी दुकान बेची और अपने परिवार के साथ अपने पैतृक सांगली भाग गए। सांगली में उन्होंने बालाजी रियल एस्टेट के नाम से एक कार्यालय खोला और एक जमीन की बिक्री शुरू की। अपराध शाखा ने शांताराम की कस्टडी अडाजन पुलिस को सौंप दी है।